हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने कल की वीडियो में प्लान किया था, यदि बैंक निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये जो लेवल है सपोर्ट का काम करेगा, और इस लेवल के पास हम कोई बुलिश कैंडल देखकर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अब कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान होगा, अभी बैंक निफ्टी जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट ले रही है। यहाँ पर ये देखिए, बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का कई बार सपोर्ट लिया है। यहां से देखिए, ये बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का कई बार सपोर्ट लिया है, और अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो यदि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और ये जो लेवल है 42,740 का, इस लेवल को अगर वो बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो जो हमारे जो टारगेट हमें नीचे की साइड जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर, ये जो हमारा बैंक निफ्टी ने गैप क्रिएट किया हुआ 42,500 के आसपास, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हमें 42,200 के आसपास भी बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कल सबसे अच्छा ट्रेड तभी होगा जब मार्केट तो या तो फ्लैट ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और उसके बाद इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग दे। तो यहाँ पर हम सेल साइड की ओर हमारा ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जो हमारे टारगेट 42,500 और 42,200 के आसपास के होंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज में घूमता रहता है तो हम स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल के लिए प्लान कर सकते हैं, और अपसाइड के लिए फिलहाल अभी हमारा कोई भी व्यू नहीं है जब तक कि बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। अभी ये जो बैंक निफ्टी का जो हाई है हमारा कल का 43,340 का, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।